कल हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल का हावड़ा एक बार फिर अखाड़े में तब्दील हो गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हावड़ा में दोबारा पत्थरबाजी की वारदात हुई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गौर करने वाली बात ये रही कि हावड़ा के जिस मुस्लिम बहुल इलाके में पत्थर चले वहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती थी, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। दरअसल बीती रात में ही हावड़ा के इस इलाके में तनाव था। कोलकाता और बैरकपुर के अतिरिक्त पुलिस बलों को भी बुलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। पत्थरबाजी की वजह से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जबकि स्थानीय लोग डर गए। ऐसे में सवाल उठने लगे कि जहां कल हिंसा हुई वहां आज भी फिर टकराव की स्थिति कैसे पैदा हो गई। सवाल गंभीर इसलिए है क्योंकि हिंसा होती रही और पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जबकि उग्र भीड़ हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लिए घरों दुकानों गाड़ियों को अपना निशाना बनाती रही। हावड़ा के शिवपुर में एक समुदाय विशेष के लोग घरों पर पत्थर फेंकते नजर आए। मुंह पर रुमाल बांधे इन लोगों में पुलिस प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं दिखा। सड़कों पर पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे, जबकि पुलिस तमाशबीन बनी रही। तस्वीरों में साफ दिखा कि पुलिस के सामने लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और वो उन्हें खदेड़ने की जगह खामोशी से सब कुछ देख रही है। हावड़ा शिवपुर में एक बार फिर से देखा जा रहा है कि बवाल मचा हुआ है। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ कुछ मॉब, वो लोग आ रहा है और उनका वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। जितने भी घर है वो सब तोड़फोड़ किया गया है। हिंसक भीड़ की हिम्मत देखिए कि उन्होंने घरों दुकानों के साथ साथ पुलिस थाने पर भी पथराव किया, शिवपुर पुलिस थाने के बोर्ड तक को तोड़ डाला। वहीं लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा के बीच बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद आक्रामक हो गई। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा की जांच कराने की मांग की, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। सुवेंदु अधिकारी ने हावड़ा हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की। विरोधी ताकत उसका शिकंजा कसने के लिए कोर्ट का कार्रवाई जरूर होगा। जबकि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ममता बनर्जी पर हमलावरों को बचाने का आरोप लगाया। वहाँ की मुख्यमंत्री अपनी गलती मानने की बजाय, अपनी जिम्मेवारी को ओढ़ने की बजाय इसका सारा दोष हमलावरों को नहीं दे रही है, ये हिंदुओं को ही दोष दे रही है कि उन्होंने जुलूस निकाला ही क्यों। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया और उचित कार्रवाई की मांग की। और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इससे पहले हावड़ा जिले में रामनवमी जुलूस में हिंसा की घटना पर पुलिस ने एक्शन लिया। हावड़ा पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। दरअसल गुरुवार को रामनवमी की शोभा यात्रा हावड़ा के काजीपाड़ा रोड से गुजर रही थी कि तभी उस पर पथराव शुरू हो गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। राम भक्तों को हिंसा के दौरान चोटें भी आई, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया। पुलिस की टीमें सड़क पर फ्लैग मार्च करती रही और जगह जगह तैनात नजर आई। सिचुएशन अपनारा देखते पारछेन, जीटी रोडे ट्रैफिक नॉर्मल आछे, दुकानपाट खुलेछे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आछे, आमरा एरिया डोमिनेशन करछी, 36 लोग के अरेस्ट करा हुए, आपातत तो कोनो समस्या नहीं, बट वी आर कीपिंग वॉच। पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी से हालात कुछ हद तक काबू में दिखे, लेकिन हावड़ा में हुई हिंसा पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने ममता सरकार पर राम भक्तों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा तय रूट से नहीं निकली थी, जिसकी वजह से यह हिंसा भड़की। केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि शोभा यात्रा के रूट को जानबूझकर बदला गया और ऐसे इलाके से ले जाया गया जहां पहले से ही टकराव की स्थिति पैदा होने की आशंका थी। रूट तुम्हें चेंज कर ले कैनो, तुम्हें अनऑथराइज रूटे गेछो, इच्छा करे एकटा कम्युनिटी के धक्का देवार जोन्नो एवं हमला करार जोन्नो। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी के आरोपों को गलत ठहराया। वीएचपी ने कहा कि उन्होंने शोभा यात्रा तय रूट पर ही निकाली थी। बिल्कुल रूट जो तय रूट थी, जिस रूट को हम लोगों ने प्रशासन को मैप के जरिए बनाकर दिया था और उनको इन्फॉर्मेशन दिया था, परमिशन के लिए भी उनको दिए थे, उसी रूट मैप से एक इंच भी हम लोग इधर उधर नहीं गया। लेकिन ममता बनर्जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो सख्त कार्रवाई करेंगी। जरा आज के दंगा कोड़े छे जो तो ही मामला करूं और हमला करूं,
एक्सक्यूज अभी सुनबो ना। ममता बैनर्जी के सख्त लहजे से बीजेपी आग बबूला हो उठी। उसने बंगाल की सरकार पर हिंदुओं के दमन का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब रामनवमी जुलूस पर हमला किया गया हो, इससे पहले भी बंगाल में ऐसा होता रहा है। जबकि गिरिराज सिंह ने ममता बैनर्जी सरकार पर घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने का आरोप लगा दिया। ममता बैनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बैनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। वहीं बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट और सांसद सुकांता मजूमदार के मुताबिक ममता बैनर्जी ने कट्टरपंथी मुसलमानों को हमले के लिए उकसाया। ममता बनर्जी ने खुद उसकाया लोगों को, मुस्लिम लोगों को, फेनाटिक मुस्लिम में जो है, सब नहीं तो फेनाटिक मुस्लिम लोगों को उसकाया कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाए। बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर सियासत भी खूब गर्म नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरा पूरा उम्मीद है मोदी जी, अमित शाह जी कश्मीर को ठीक ठाक कर दिया, बंगाल को भी वो लोग सही वक्त पर ठीक करेंगे। ये ममता जी कर रहा है, हम लोग का विकासवाद, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास। दो दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और दो दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है, कल दंगे शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज में जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना और अगला दिन दंगे होते हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? रामनवमी पर महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल से फैली हिंसा की आग अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार के नालंदा में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जमकर पत्थर चले। पहले दो गुटों के बीच झड़प हुई और उसके बाद पथराव। रामनवमी को लेकर बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली थी, लेकिन इस शोभा यात्रा पर उपद्रवियों की बुरी नजर लग गई। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसे दोनों पक्षों के बीच में जमकर झड़प हुई है। रामनवमी पर महाराष्ट्र और गुजरात और बंगाल से जो हिंसा थी, अब वो आग बिहार तक फैल चुकी है। बिहार के नालंदा में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एक दूसरे समुदाय के ऊपर जमकर पत्थर चलाए गए। पहले दो गुटों के बीच झड़प हुई और उसके बाद फिर ये पथराव। रामनवमी को लेकर बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली थी, लेकिन इस शोभा यात्रा पर उपद्रवियों की बुरी नजर लग गई। रामनवमी पर हिंसा की वारदात का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार के सासाराम में भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। खबरों के मुताबिक यहां उपद्रवियों ने दो घरों में आग लगा दी, जबकि पत्थरबाजी की वारदात भी हुई जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि कल रात से ही इलाके में तनाव था, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी न होने की वजह से दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूटी। डीएम और एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, उपद्रवियों पर फायरिंग भी की गई, लेकिन काफी देर तक सासाराम का सहजलाल पीर इलाका रणभूमि बना रहा। जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार संपूर्ण सासाराम क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। Z News.